सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय समय की बात है, कल जो रंग थे आज वो दाग है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दूं कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज का पंचांग 16 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 8:17 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र रात्रि 9:06 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:43 से 5:19 तक रहेगा, अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर रात्रि 9:06 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। 16 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, घर और रिश्ते से संबंधित चिंताओं के उदासी के कारण कुछ समय विचार करने के लिए निकालेंगी। अपने विचारों और सपनों को शब्दों, तस्वीरों या गाने में व्यक्त करें। स्वस्थ होने के लिए समय निकालें ताकि आने वाले दिनों में आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहें। जीवन उन लोगों के लिए एक उत्सव है जो इसे सही से जीते हैं। आज प्रियजनों के साथ समय बिताने से सारा ध्यान संबंधों और आपसी सामंजस्य पर केंद्रित रहेगा। जिस रंग का चश्मा लगाकर आप दुनिया को देखेंगे, दुनिया आपको उसी रंग की ही दिखेगी। इसलिए क्रोध का चश्मा उतारें और प्रेम का चश्मा लगाकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। आज किसी विशेष व्यक्ति से लाभदायक संपर्क बन सकते हैं जो कि भविष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। किसी निकट संबंधी के साथ चल रही गलतफहमी को दूर करने का उचित समय है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी मिलेगी। काम से संबंधित हर एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। काम की वजह से जीवन में व्यस्तता बनी हुई नजर आ रही है, इस कारण व्यक्तिगत बातों पर ध्यान देना संभव नहीं होगा। मित्रों से प्राप्त हुई आलोचना की वजह से आत्मविश्वास पर असर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पैसों से संबंधित प्राप्त हो रही प्रगति की वजह से काम से जुड़ा समाधान महसूस होगा। रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ेंगे। नींद पूरी न होने की वजह से आलस और उदासीनता महसूस होगी। जनसंपर्क अधिकारियों को अधिक अनुकूलता रह सकती है। नौकरी के लिए दिए साक्षात्कार में सफलता मिल सकती है। संतान के साथ तालमेल अच्छा रह सकता है। मानसिक स्थिति भी अच्छी रह सकती है। आज आप साझेदारी के अंतर्गत घर और ऑफिस दोनों में ही एक बहुत अच्छा काम करेंगे। यदि अकेले काम करेंगे तो अस्पष्ट और असंभव से लगने वाली मुसीबतों में फंस सकते हैं। टीम के रूप में काम करने पर ये बाधाएं परेशान नहीं करेगी। आपसे सहयोग से आज आप किसी भी प्रयास में सफलता हासिल कर पाएंगी। वेब संचालकों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रह सकती है। विज्ञापन एजेंसी वालों के लिए लाभ का अवसर आ सकता है। धन उधार ना दें, बेचैनी की समस्या में राहत मिल सकती है। मूर्तिकारों के लिए अच्छा कार्य प्रस्ताव मिल सकता है। कारोबारी गतिविधि से संबंधित यात्रा हो सकती है। इष्ट मित्रों का अच्छा सहयोग मिल सकता है। व्यस्तता अधिक रह सकती है। जो आँखों के आगे आ रहा है सिर्फ वही सत्य है, इस भ्रम में ना रहें। अपनी भावनाओं और अपने आप का दुरुपयोग बिल्कुल ना होने दें। असंभव और अशिष्ट लोगों की संगत से बचें। वरिष्ठ निकट परिजनों तथा संबंध पर विशेष ध्यान दें। सावधानियां, कोई नजदीकी मित्र अथवा संबंधी ही आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा जिसकी वजह से तनाव रहेगा। किसी भी बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। बाहरी गतिविधियों में ज्यादा समय व्यतीत ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखेंगे। किसी पुराने मित्र से वार्तालाप होगी और खुशनुमा यादें ताजा होगी। आज आप अपने चचेरे भाई बहन
साला साली किसी सहकर्मी से नुकसान करके उसका मार्गदर्शन कर सकती हैं। अपने लव लाइफ के बारे में कोई खास निर्णय लेंगे, प्रेमी युगलों के लिए आने वाले कुछ दिन मस्त जाएंगे। अपने शौकों को नजरअंदाज ना करें, आप खुश रहेंगे तभी अपने साथी को भी खुश रख सकेंगे। आज आप बच्चों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने में दिलचस्पी रखेंगे, आपके पास सही क्षमता है और सही समय पर सही सलाह आपको सही राह दिखा सकती है। अपने साथी के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे, अगर किसी से प्यार करते हैं तो दिल की बात बताने में देरी ना करें, क्योंकि आप दोनों का साथ जन्म जन्मांतर का है। आप आजकल पहले से भी अधिक आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। आपको ऐसे व्यक्ति भी संपर्क करेंगे जिन लोगों से आपको उम्मीद भी नहीं थी, इसे आपको काफी आश्चर्य होगा, लेकिन उनके बारे में समय लेकर सोचें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा। समय के साथ साथ खुद ही उनका फैसला हो जाएगा। पिछले समय के कड़वे अनुभव के कारण खुद को बांधे ना रखें, खुलकर जिए। बात करते हैं करियर की। खुशवित और करियर के विभिन्न अवसर आज आपके सामने आ सकते हैं और आप उन्हें लेने के लिए अभिभूत होंगे, लेकिन थोड़ा उलझन भी महसूस कर सकते हैं कि किस दिशा में जाएं। सावधान रहें कि ये अनिर्णय आपको पंगु ना बनाए। अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह पूरी तरह से आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकता है। त्वरित और निर्णायक कार्यवाही आज के दिन की आवश्यकता है। व्यावसायिक परेशानी के कारण आज काम में कुछ अस्पष्टता हो सकती है। अपने चाहने वालों की सलाहों की सुनवाई करें और भावनाओं को भी व्यक्त करें। घरेलू काम जैसे टूटी हुई खिड़कियां या लीक नल को ठीक कराना भी आज आपकी प्राथमिकता है। एक विजेता की तरह सोचें, अपने कौशल को पॉलिश करें। सही परिस्थितियों और मानसिकता वाले लोगों के लिए जीवन का हर दिन एक जश्न के समान है। आज आपके प्रियजन आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप किसी भी कार्य के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। अच्छे मौके पाने के लिए अपनी आंखें और कान खुला रखें। लोगों से मिले जुले और अपने संपर्कों को टूटने ना दें। व्यवसायिक कार्य में अभी ज्यादा निवेश करना उचित नहीं है, क्योंकि व्यवसायिक परिस्थिति मंद है, इसीलिए नुकसान हो सकता है। इस समय व्यवसाय को नए तरीके से शुरुआत करने की जरूरत है। साथ ही कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ भी उचित सामंजस्य बनाकर रखना जरूरी है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है। अपनी नियमित जांच अवश्य करवाएं। आज आपकी शारीरिक सेहत थोड़ी सी अप्रत्याशित ही रहेगी, लेकिन आप अचानक आई इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। आप यह भी समझ पाएंगे कि स्वस्थ मन के बदौलत सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य में दिक्कत के बावजूद अपनी मानसिक शक्ति के कारण अपने सब निर्धारित काम अपने समय से पूरे कर पाएंगे। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।